आज हम बनाएंगे गोभी गोश्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार। देखिए रेसिपी बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप जक्के दिल्ली। आज की रेसिपी है हमारी गोभी गोश्त। ये हमने 1 किलो गोश्त ले लिया है और ये 1 किलो गोभी ले लिया। हमने इसे इस तरह से काट लिया। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 6 से 7 हरी मिर्च इस तरह काट ली है, 2 बारीक प्याज बारीक काट लिए हैं और 3-4 टमाटर बारीक काट लिए हैं, हरा धनिया बारीक काट लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा, 6 से 7 लाल मिर्च साबुत, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन सब मसालों को मिलाकर हम बनाएंगे गोभी गोश्त। गोभी गोश्त बनाने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है। इसमें जीरा और साबुत लाल मिर्च डालेंगे। अब प्याज डालेंगे और हरी मिर्च। चार से पांच मिनट तक हम प्याजों को फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को भी हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे से। गोश्त फ्राई हो चुका है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और टमाटर, और इसको भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से। अब मसाले ऐड कर देंगे, लाल मिर्च, नमक, धनिया, हल्दी, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। दो से तीन मिनट तक हम इसे भी पकाएंगे अच्छी तरह से। मसाला भुनकर तैयार हो चुका है और इसमें अब गोभी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गोभी गोश्त को हमने फ्राई कर लिया है, इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर दिया है और इसे 10 से 15 मिनट तक पकने रख देंगे। गोभी गोश्त को बनते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे हमारी गोभी और गोश्त गल चुका है या नहीं। गोभी हमारी गल गई है और गोश्त भी हमारा गल गया है। सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है, इसमें हरा धनिया डाल देंगे। देखिए किस तरह से बनाया है और अब इसे सर्व करेंगे। सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। गोभी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है देखिए, और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। बाय बाय, टाटा।